दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स एके टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महामहिम के आगमन को लेकर पुख्ता हो गए हैं सुरक्षा के इंतजाम। जमीन से लेकर आसमान तक के अभेद सुरक्षा और निगरानी में आएंगे राष्ट्रपति। आला अधिकारियों ने की अंतिम बैठक। रविवार को डाइवर्ट रहेंगे शहर के कई रास्ते। जिलाधिकारी ने परीक्षार्थियों से केंद्र पर पहले पहुंचने की अपील। नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्य हुए सम्मानित। जिलाधिकारी और एसएसपी रहे मौजूद। कहा करते हैं निस्वार्थ सहायता। महामहिम के आगमन और प्रस्थान पर डाइवर्ट रहेंगे शहर के कई रास्ते। सिटी वन के जरिए जनहित में जारी खबर। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एनएसएस के छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर किया साफ सफाई। कुलपति भी रहे मौजूद। आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी सपा। बैठक कर बनाई गई रणनीतियां। और 1.5 साल के बच्चे के दिल में सुराख को भरेंगे शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर। लिया ऑपरेशन का सारा जिम्मा अपने ऊपर। बच्चे के दादी और बाप देने वाले थे नौनिहाल को जहर। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की गोरखपुर आगमन पर सुरक्षा के लिहाज से खाका खींचा जा चुका है, जिसे अब केवल मूर्त रूप देना बाकी है। जिला प्रशासन ने महामहिम की सुरक्षा का प्लान पुख्ता कर लिया है और इस लिहाज से एक बड़ी बैठक का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में मंडल के सभी आला अधिकारियों ने की। इस बैठक में मुख्य रूप से ADG सुरक्षा विजय कुमार, IG जय नारायण सिंह, मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, SP सिटी विनय कुमार सिंह, SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा सहित जिले के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इन अधिकारियों ने जमीन से लेकर आसमान तक के राष्ट्रपति की सुरक्षा के बारे में जायजा लिया। सुरक्षा के लिहाज से अब बैठकें पर्याप्त हो चुकी हैं और इस पर अंतिम मोहर भी उपस्थित अधिकारियों ने लगा दी है। अब तो इन सारे प्रशासनिक अधिकारियों के इम्तिहान की घड़ी शनिवार को शुरू हो जाएगी। अगले दिन यानी जो 10 तारीख को 11:30 बजे यानी तो राष्ट्रपति महोदय का सर्किट हाउस से लेके या VVIP का माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, राज्यपाल महोदय का भी और महामहिम आगमन हो जाएगा दिल्ली के लिए। मुख्यमंत्री जी फोर के समय से लेके 11:30 के बीच में पूरा सिटी का आपको जीरो करना पड़ेगा। टेक ऑफ है उसी के हिसाब से 11:00 बजे यहाँ से मंदिर से निकले उसी के हिसाब से। तो पहले इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ADG सुरक्षा विजय कुमार ने कहा कि सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के साथ गोरखपुर में महामहिम का स्वागत किया जाएगा। महामहिम राष्ट्रपति जी आ रहे हैं तो उनके आने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। अभी ब्रीफिंग होगी, फिर रिहर्सल होगी, उसके बाद डी ब्रीफिंग होगी और समुचित व्यवस्था रहेगी और उनका जो भी प्रोग्राम है, पहले मंदिर जाएंगे, पहले आके सर्किट हाउस में रुकेंगे, फिर अगले दिन मंदिर का भ्रमण करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। उसकी अच्छी व्यवस्था है और सभी अधिकारियों को उसके संबंध में निर्देश दिए जा रहे हैं। रविवार को जहां एक ओर महामहिम और राज्यपाल का गोरखपुर में आगमन होने वाला है, वहीं दूसरी ओर गोरखपुर में 76,000 परीक्षार्थी परीक्षा भी देंगे। इसके लिए 15 केंद्र बनाए गए हैं। इसी के मद्देनज़र जहाँ एक ओर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी ने परीक्षार्थियों से केंद्र पर 9 बजे सुबह पहुंचने की अपील की है। कार्यक्रम है उसी के बाद फिर 11:30 बजे के आसपास चले जाएंगे। उसके साथ साथ माननीय राज्यपाल महोदय भी आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। उसके अलावा और तमाम मंत्रीगण भी आएंगे। उसके व्यवस्था के हिसाब से हम लोग पूरा शहर का साफ सफाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो कितने जगह हम लोग रोशनी करा सकते हैं, कितने जगह और भी पुताई करा सकते हैं, रंगाई करा सकते हैं, सबका तैयारी हो रहा है और कार्यक्रम स्थल पर भी पूरा तैयारी। साथ साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में भी तो कहाँ चप्पे हम लोग फोर्स लगाएंगे। बाकी जो कल परीक्षा भी है वो परीक्षा रीति का आपके चैनल के माध्यम से अपील करो, समय से आप लोग
सेंटर पे पहुंच जाए। डाइवर्शन कहाँ कहाँ होता हम पहले ही इंडिकेट कर देते हैं, बट आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगा। बट कृपया करके कल 9:30 बजे परीक्षा है, उसके पहले आधे घंटे पहले अपने परीक्षा केंद्र में चले जाएँ और शाम को 4:30 बजे खत्म हो जाएगा। माननीय महामहिम जी तो 5 बजे के बाद ही आएंगे, शाम को कोई दिक्कत नहीं होगी। बट सवेरे आप लोग परीक्षा जो यदि परीक्षार्थी है तो कृपया करके 9 बजे पहले आपका सेंटर पर पहुँच जाए, ये आपसे अपील है। नागरिक सुरक्षा कोर जो कि त्योहारों के मद्देनज़र और अन्य कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय भागीदारी इस समाज को अदा करती है, उसे एक कार्यक्रम के तहत इस्लामिया इंटर कॉलेज में सम्मानित किया गया। नागरिक सुरक्षा कोर के सम्मान समारोह में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे सहित SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने कोर के अधिकारियों और पदाधिकारियों को उनके स्वार्थ रहित सेवा के लिए सम्मान प्रदान किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नागरिक सुरक्षा के लोग प्रशासन के हाथ पांव हैं, जिनका उपयोग समय समय पर किया जाता है और उससे लोगों को बड़ी राहत मिलती है। बुखार चढ़ने के बाद तुरंत बच्चे के कहाँ ले जाकर के इलाज करना है, कैसे करना है, सारे प्रोटोकॉल जाने हम लोग ये सोभा की बात है। यहाँ जो कप्तान सर पेंशन के ऐसे यहाँ ये अच्छा डॉक्टर का जमा बड़ा है, वो इस पे खासतौर पर उसके साथ, इसलिए तो ये समूह के इलाज करना थोड़ा आसानी भी है। वो आपके साथ कप्तान साहब के क्लिनिक पे वो अच्छा खासा डॉक्टर का जमा बड़ा मिल जाएगा। और यहाँ तो बाढ़ के समय में भी इतने सहयोग रहा आपका, आप जानते हैं उन लोग अप्रिशिएट किए, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा टीम आई थी, हेलीकॉप्टर का हम लोग रिलीव किया है, आपको भी आना तैयार ही था, बट मतलब किसी वजह तो उन लोग को बाढ़ इस साल तो हुआ नहीं है, इसलिए तो बच गए। पिछले साल तो बाढ़ का भी बहुत बड़ा प्रकोप रहा, उसका तो फिर करीब 600-700 गाँव डूबा रहा, तो 10-15 दिन के लिए हम लोग मेहनत करना पड़ा। इस बार पहले हम लोग का तैयारी रहा, इसलिए तो बाढ़ हम आने से बचा लिए, एक बड़ा भूमिका उसका सिविल डिफेंस का यही है। उसके अलावा जो हर बार कंधे से कंधे मिला के हम लोग के साथ हर त्यौहार में आप लोग खड़ा हो जाएंगे, खड़ा होते हैं, कितने त्यौहार इस साल का लगभग सारे त्यौहार निपट गया है। अब जो हम लोग इस साल का जो अंतिम चरण पे है, बस न्यू ईयर 2019 का वेलकम करने की स्थिति पे है, हम चाहते हैं अगले साल भी ऐसे निकल जाए। आपके सामने एक छोटी सी अपील, गैदरिंग में बताया था हम लोग के सामने, तो देखिए 1962 में जो उस समय में जो बाहर का दुश्मन से लड़ना पड़ा, अभी जो गोरखपुर के गोरखनाथ कोतवाली अभी जिन्होंने बहुत पुरस्कार प्राप्त किए, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित गण और धन्यवाद कि मुझे भी इस प्रेस्टिजियस गैदरिंग में शामिल होने का आपने बहुत छोटे से मौका दिया। मुझे जुमा जुमा अभी आए हुए चार क्षेत्र नहीं हुए हैं और मुझे इस तरह की गैदरिंग मिली, मैं आप सबका एक बार गुलाटी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि छोटे से ही समय में उन्होंने मेरा ही नहीं पुलिस महकमे का दिल जीत लिया है, कप्तान का दिल जीत लिया, तो फिर महकमा साथ में ही लिया है, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, ये भी डॉक्टर हैं, तो एक दोस्ती होना स्वाभाविक था, लेकिन ये दूसरे किस्म के डॉक्टर हैं, मैं तीसरे किस्म का ये दांत के डॉक्टर हैं या नहीं, ये इंसानी जिस्मानी डॉक्टर हैं और मैं समाज का डॉक्टर हूँ, सोसाइटी के दांत के खराबी या सोसाइटी के
सोसाइटी के दिमाग में खराबी आ जाए, सोसाइटी के हाथ पैर ज्यादा चलने लगे, सोसाइटी के पैर ज्यादा चलने लगे, तो उसका इलाज करना मेरा काम है। और इन सब में महामहिम राष्ट्रपति गोरखपुर में 9 और 10 दिसंबर को रहेंगे। इसके अंतर्गत वह कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसके लिए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को कुछ जगहों पर डाइवर्ट किया गया है। एयरपोर्ट वाले रूट पर कुशीनगर की तरफ से आने वाले वाहन 4 लेन के रास्ते रामनगर करजहाँ की तरफ डाइवर्ट किए जाएंगे। साथ ही देवरिया की तरफ से आने वाले वाहनों को देवरिया बाईपास के रास्ते शहर की ओर मोड़ दिया जाएगा। कूड़ाघाट तिराहे से मोहद्दीपुर चौराहे के तरफ फ्लीट के आगमन पर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही असुरन चौराहा कौवाबाग पुलिस चौकी से मोहद्दीपुर के तरफ से फ्लीट के आगमन और प्रस्थान के समय सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इस बात की जानकारी हमारे सिटी वन संवाददाता को SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने दी। ARM राप्ती नगर और ARM रोडवेज स्टैंड, इनसे हमारे द्वारा बात हुई है कि जो पैडलेगंज में ये बसेस वगैरह लगाए हुए हैं, ये बसेस अमर उजाला तिराहा के पास में गाड़ियां कल खड़ी करेंगे, कल और परसों। इसी तरीके से ये रोडवेज बस स्टैंड पे अपना ये पूरा यातायात का प्रबंधन करेंगे। साथ में ही देवरिया बाईपास से हम लोग पूरा बसों का डाइवर्जन करेंगे वहाँ से, और इसी तरह जगदीशपुर कोनी की तरफ से करेंगे, और जो भी भारी वाहन होगा वो अमर उजाला तिराहे की तरफ से ही डाइवर्ट होगा। सर कितने दिन के लिए है ये? केवल मात्र कल से लेके परसों तक है, VIP मूवमेंट के उसमें दृष्टिगत रखते हुए। और उस तरफ से भी जो रामगढ़ ताल की तरफ से भी ट्रैफिक जो है उस तरफ से बाधित रहेगा, उधर से डाइवर्ट किया जाएगा, वो ट्रैफिक सीधे हमारे उधर रोड की तरफ निकलेगा, रामगढ़ ताल के पिकनिक स्पॉट की तरफ से होते हुए सर्किट हाउस सामने से नहीं जाएगा वो। इसी प्रकार से कूड़ाघाट की तरफ पैडलेगंज की तरफ से, पैडलेगंज की तरफ से भी कोई भी वाहन सर्किट हाउस की तरफ नहीं जाएगा। सर ये शहर के लिए भी कुछ किया गया है? शहर के लिए सभी जगह पे व्यवस्था की गई है, यातायात के कर्मी नियुक्त किए गए हैं, किसी भी समय कोई जाम ना लग सके। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त, सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, चलकल बिल्डिंग, गोल घर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935908111। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं उशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइज, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आई एम अनमीत, आई एम अमित विद अमित ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। हे गाइस, इट्स AKS, यू आर वाचिंग गोरखपुर सिटी वन नंबर वन चैनल। हाय, मेरा नाम है तुषार जोशी, सिटी वन चैनल के रीलॉन्च पे ऑल द। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों में भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर साफ सफाई की गई, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह भी मौजूद रहे। स्वच्छता मिशन के अंतर्गत NSS के सदस्यों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाया, जिससे कि अन्य छात्रों में भी स्वच्छता के प्रति संदेश जा सके। क्या कर रहे हैं पता नहीं। कुछ देर में हमारे बीच हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति
प्रोग्राम करते हुए और हम का विषय है कि आगे कुलपत महोदय सुनियंता महोदय स्वैच्छिक श्रमदान करते हुए। इसके बारे में हमारे सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए कुलपति विजय कृष्ण सिंह ने कहा कि यह एक तरीके का जागरूकता कार्यक्रम है जो अन्य छात्रों के लिए प्रेरणादायी होगा। स्वच्छता के प्रति जागरूकता लोग पैदा करने के लिए इसमें पूरे देश में क्रांति आई हुई है और खासकर युवा पीढ़ी उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। गोरखपुर के विश्वविद्यालय के जो NSS विंग के जो हमारे कार्यकर्ता हैं और गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, यहाँ के जो आचार्यगण हैं, यहाँ की फैकल्टी है, एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे समस्त जो विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, सब बढ़ चढ़ के विश्वविद्यालय परिसर एवं उसके आसपास के जगहों को सफाई करने में लगे हुए हैं। स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उससे जो है हम मेडिकली जो है फिट रहते हैं, बीमारियाँ दूर रहती हैं। और मेडिकली अगर फिट रहेंगे आप और बीमारी से शरीर आपके शरीर ग्रस्त नहीं रहेगा तो आप अधिक ऊर्जा से अपना योगदान जीवन में दे पाएंगे। हम यहाँ से जुड़े हुए जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवी हैं, उन सबको हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ कि वह इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे और विश्व इस देश को, इस प्रदेश को, खासकर इस विद्यालय से जुड़े हुए क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान प्रदान करते रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र समाजवादी पार्टी की एक बैठक का आयोजन पार्टी के बेतियाता स्थित कार्यालय पर आयोजित किया गया। इस बैठक में 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में अपनी तैयारियों को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने परखा। इस बैठक में मुख्य रूप से सपा के गोरखपुर के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, पूर्व अध्यक्ष अवधेश यादव, शकील अंसारी, पप्पू चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सिंधु पार्ट के विधानसभा अध्यक्ष कई बाहर गए हुए हैं तो बताए हैं कि हमारे उपस्थित ही आएंगे, लेकिन पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय प्रहलाद यादव जी भगवान के दिए बच्चे को अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज 2.5 लाख रुपए में हो और उसके माँ बाप गरीबी और गुर्बत के दिन काट रहे हैं, तो ऐसे में फैसला लिया जाता है उस बच्चे को ही जहर दे देने का। फैसला किसी माँ बाप के कलीजे को चीर देने के लिए काफ़ी है। सत्यम जो कि 1.5 साल का एक बच्चा है, उसे मालूम ही नहीं कि उसके छोटे से दिल में एक छोटा सा छेद है जिसे भरने के लिए उसके माँ बाप के पास पैसे ही नहीं। ऐसे में कुशीनगर के रामपुर खुर्द के ओम प्रकाश और बच्चे की दादी ने इस बच्चे को जहर ही देने की क्या सोचा, ऊपर वाले ने सत्यम के लिए एक डॉक्टर के रूप में मसीहा भेज दिया। इस बच्चे के दिल में हुए छेद का ऑपरेशन कराने के लिए शहर के डॉक्टर शिव शंकर शाही ने रजामंदी क्या दिखाई, मानो इन गरीबों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। डॉक्टर शिव शंकर शाही बच्चे के ऑपरेशन का जिम्मा अपने ऊपर लेकर इन दंपति को बे औलाद होने से बचा लिया, क्योंकि अगर वह उसे जहर नहीं भी देते तो इतना पैसा पूरी जिंदगी नहीं कमा पाते जिससे कि उसके दिल में हुए सुराख को भरा जा सके। इस बारे में हमारे सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर शिव शंकर शाही ने कहा कि जब उन्होंने जहर वाली बात सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने इस बच्चे का ऑपरेशन करने का निश्चय किया। कि एक बच्चा सत्यम जिसके दिल में सुराख है, जिसके ऑपरेशन में खर्चा ज़्यादा लग रहा है, तो घर वाले बाहर नहीं कर पा रहे थे, तो इस बच्चे के माँ के ससुराल वाले इसको घर से बाहर निकाल दिए। मुझे बहुत अफसोस हुआ, इस बच्चे की माँ कह रही थी, लोग कह रहे थे कि बच्चा बचेगा नहीं, इसको जहर दे के मार दीजिए, ये माँ का वर्ड था। उस दिन मेरे आँखों में आंसू आ गए थे, मैंने प्रण किया इस बच्चे की इलाज में कराऊँगा। और आज हमारे यहाँ पीडियाट्रिक कार्डियक कैंप लगा हुआ है, इस कैंप में करीब 130 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस बच्चे के इलाज में एम्स में लोग देखाए थे, एम्स का इस्टीमेट 2.5 लाख दिया था कि 2.5 लाख उसमें खर्चे वाला होता है। 2.5 लाख इस्टीमेट हुआ, दवाई रहना फहना लेके 4-5 लाख पड़ जाता आदमी का, जो कि एक सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त मेरे साथ पड़े हुए हैं जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट नीरज अवस्थी, आज मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है, हम और ये सफदरजंग में साथ पढ़ाई किए हुए हैं। मैंने उसे निवेदन किया, वो आज गोरखपुर आए हुए हैं
और 15 बच्चों का एक एनजीओ से रजिस्ट्रेशन करा के लाए हैं कि इनका फ्री आपकाश इलाज होगा। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।